वेलकम टू माय शो। नमस्कार जी। आप तो लंदन में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे, तो राजनीति में आना कैसे हुआ एकदम से? वैसे तो बचपन से मुझे राजनीति और सामाजिक विषयों के संदर्भ में एक लगाव रहा। मैं कहीं भी घूमा तो अपने गांव की तरफ मुझे बहुत आकर्षित, मैं अपने गांव की तरफ रहा। मैं जब अपने MBA के पढ़ाई के लिए UK गया तो वहां भी राजनीति हमने की, वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई। वहां के स्टूडेंट्स यूनियन में यूनिवर्सिटी पे सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का मौका मिला और वहीं से ये सफर शुरू हुआ। तो मेयर का कार्यकाल कैसा रहा आपका? मेरा, मैं नगर पालिका के माध्यम से काम करते रहा, सभागृह का मैं लीडर रहा। तो जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि बिजनेस शुरू करूं, और करीब एक साल मैंने बिजनेस किया। बिजनेस में काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन उसमें वो कुछ मजा नहीं आ रहा था या कुछ लगना नहीं था कि कुछ करने का। पैसे कमाते जाओ और कुछ आराम करते जाओ। तो कहीं मैंने सोचा कि मैं अपने गांव के वहां जाऊंगा और गांव में बसूंगा। मेरे गांव में गया, पुश्तों से सबके संबंध थे, और नगर पालिका का चुनाव आया तो अपना खुद का एक पैनल बना के हमारी माता जी के नेतृत्व में हमने किया, और मैं लीडर ऑफ द हाउस था, और वहां से शुरू हुआ अपने गांव का काम। तो ये फैसला कैसे हुआ कि BJP जाऊंगा कि कांग्रेस जाऊंगा? मेरे जो दादा थे कांग्रेस में थे, और वो स्वतंत्र सेनानी थे, वो वाली कांग्रेस जो स्वतंत्रता के लड़ती थी वो कांग्रेस में थे। और उसके बाद मैंने आने के बाद सोचा कि यहाँ पे जो मैंने देखा उसमें मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी नए विचारों से आने वाली पार्टी है और कड़वे देशभक्त है, और अगर देश को बनाना होगा तो हमको भारतीय जनता पक्ष ज्वाइन करना पड़ेगा। माननीय गोपीनाथ जी मुंडे थे, मुंडे साहब भी कोई युवाओं को खोज रहे थे कि कुछ युवा मिले पढ़े लिखे हो और जो काम करना चाहते, तो मुंडे साहब की टीम में हम लोग ज्वाइन हो गए। और मुंडे साहब, गडकरी साहब, उस वक्त हमने ऑपोजिशन से शुरुआत की और बहुत अच्छा हमको मौका मिला। और भारतीय जनता पक्ष के विचार ये कड़वे देशभक्तों के विचार है, और इसीलिए भारतीय जनता पक्ष के युवा मोर्चा से मैं ज्वाइन हुआ। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की निगाह पे कब पड़ी? मोदी साहब तो बहुत सीनियर है, लेकिन हमारे सहकारी और हमारे लीडर देवेंद्र फडणवीस साहब, पहले हमारे राज्य के नेतृत्व माननीय मुंडे साहब और गडकरी साहब करते थे, प्रमोद जी महाजन साहब थे। ये तीनों नेताओं ने काम करने वाले युवाओं को, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा स्कोप है। उसमें कोई आपके जात धर्म पंथ रिश्तेदार परिचय कोई जरूरत नहीं। अगर आप में हुनर है, आप काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो आपको मौका दिया जाएगा। ये मैंने अनुभव भारतीय जनता पार्टी में किया। तो कभी मिलना हुआ मोदी साहब से? जी जी, बिल्कुल मिलना हुआ मोदी साहब से। मिलके ही प्रेरणा मिली। 2014 के चुनाव के पहले मैं महाराष्ट्र का महामंत्री था, और प्लानिंग के वक्त उनसे मुलाकात हुई, और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प है और वही हमें प्रेरणा देती। चुनाव के दरमियान जब हम लोग मिले तो एक मिनट में उन्होंने हमसे फोन पे कब बात की थी उसका उन्होंने जिक्र किया, और बड़ा प्रभावित करने वाली चीज थी कि एक राज्य के मुख्यमंत्री आपसे जो बात करते उनको 2 साल बाद याद रहता है, वो बड़ी प्रभावित करने वाली बात थी। और हम लोग सब लोग वो टीम में लगे, और धुलिया और नंदुरबार जो एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां पे 8 बार हम लोग के 9 बार सांसद कांग्रेस के रहे लगातार, जब से देश बना, डिपॉजिट जब्त होती थी बीजेपी वहां, और धुले, नंदुरबार और धुले, दोनों ही जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद आ जाए। तो हाउ यू रेट नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कैसा लगता है? ही इज द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस मोमेंट। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से, एक नागरिक के नाते से कहना चाहूंगा, आज हम लोग अगर पूरे राजनीति का प्लेटफॉर्म देखें, उसका पूरा वहां पे कैनवस पे, ऐसा कोई नेता नहीं उनसे मैच करने वाला। और उनका जो 24/7 देश के लिए समर्पित भावना कोई और नहीं कर सकता। उनकी नए नए विजन्स, डायनामिक लीडरशिप, और विशेषता मैं इंटरनेशनल पॉलिसीज में मैं बहुत रुचि रखता हूँ, फॉरेन कंट्रीज के साथ टाइप में रुचि रखता हूँ। आज कई देशों में मेरे मित्र भी है, और जिस प्रकार का प्रभाव पूरे विश्व भर में मोदी साहब ने किया, उससे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी ताकत मिली। हमें हमेशा मन में, मैं बड़े बड़े पदों पे काम किया हूँ, बिजनेस के माध्यम से भी गया हूँ, लेकिन इंडियन पासपोर्ट को देखने का नजरिया जो था
वो जो मेरे वक्त 1999-2000 में एमबीए करते वक्त जो था उसमें और आज भारतीय पासपोर्ट की एक अलग ताकत बन गई है, ये अभिमान हम सबको है। तो आज देश विदेश में मोदी जाते हैं, लाखों लोग जुटते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, क्या लगता है ही स्लोली एमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर? ही इज ऑलरेडी अ ग्लोबल लीडर। मोदी साहब ने ये सिद्ध कर दिया है, कोई बोलने की जरूरत नहीं, कि देश के आज की परिस्थिति में पूरे विश्व के जो गिने चुने 5-6 लीडर है जो ग्लोबल सोच रखते हैं और ग्लोबल एजेंडा ड्राइव करते हैं वो मोदी साहब हैं। चाहे वो पेरिस का बॉम्ब हमले के बाद उन्होंने जो ली हुई भूमिका हो, चाहे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाली भूमिका हो, बहुत सारे वो लोग डायनामिक भूमिका उन्होंने ली है और ही इज अ ग्लोबल लीडर। द वर्ल्ड कैन लुक अप टू हिम टू सॉल्व ग्लोबल इश्यूज। जब मोदी जी की बात चलती है तो अमित शाह का जिक्र आता है, तो ही इज अ टेरिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटजी लोग कहते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है उनके बारे में? हम लोग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुंबई का और हमारे महाराष्ट्र का। जब चुनाव था यहीं से नजदीक ही हमारा महाराष्ट्र का कार्यालय, महाराष्ट्र के कार्यालय में हमने जब वहां पे जानकारी ली, एक लोग आने का भी मौका मिला, तो अमित शाह जब यहां आए महाराष्ट्र में हमारे चुनाव के लिए, तो दिन भर मतलब 24/7 वहां रहते थे। अमित शाह साहब अगर चुनाव के वक्त कहां सोते थे, कहां रहते थे अगर पूछा जाए तो कार्यालय में ही सोते थे, कार्यालय में खाते थे और कार्यालय में ही रहते थे। 24/7 काम करने की और डेडिकेटेड काम करने की एक लिथल टीम हम लोग की बनी है, क्योंकि तो उनका फोकस है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और इनका फोकस है देश की पॉलिसी, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। आप महाराष्ट्र के टूरिज्म मिनिस्टर हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री सब यही हैं, तो पद्मावती का क्या इश्यू चल रहा है? महाराष्ट्र हमेशा से बॉम्बे एक बॉलीवुड का ग्लैमर माया नगरी से जाना रहा और हम लोग को उसका अभिमान है। हम लोग 5000 साल पुराना देश है और ये देश के हम लोग की समृद्धि जो इतिहास है उसकी वजह से आज हम लोग हैं। पद्मिनी के बारे में हम लोग हमेशा, रानी पद्मिनी का उदाहरण मेरे दादा ने मेरी बुआओं को दिया था, मेरे माता पिता ने मेरे बहनों को दिया और हमने अपने बच्चे को दिया, कि इस प्रकार के हम लोग का वैलर होता है, इस प्रकार की हमारी हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति है। और ये सब चीज हम लोग बात करते हुए आज सोशल मीडिया के जमाने में कितना इम्पैक्टिंग होता है एक मूवी, केवल पैसे कमाने के लिए 200-500 करोड़ का एक ब्लॉकबस्टर बना दोगे, उसमें से आप 50-50 करोड़ कमा लोगे या 100 करोड़ कमा लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे 1000 वर्ष पुराना इतिहास आप मिटा दोगे, इसकी जानकारी आपको नहीं है, ये जिम्मेदारी आपको नहीं है। और आप केवल कुछ चंद कॉमन वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, चाहे उसमें कोई मीडिया के लोग हो, चाहे फिल्म डायरेक्टर हो, फिल्म प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, हम लोग एक फिल्म बता रहे हैं। अरे वो फिल्म का इम्पैक्ट आज की पीढ़ी पद्मिनी को बहुत, रानी पद्मिनी के बारे में इतनी पढ़ी इतना डिटेल जानती नहीं, लेकिन आप जो फिल्म बनाओगे वही लोगों के जहन में मन में दिमाग में रह जाएगा। ये जिम्मेदारी का एहसास फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी होना चाहिए और काम करते वक्त कैसे पॉजिटिव चीजें दिखाएं, नेगेटिव चीजें दिखा के देश के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं और देश हित में भी नहीं है, और इसीलिए ऐसी चीजों का हम विरोध करते। लेकिन बॉलीवुड ये हमारी ताकत है, बहुत अच्छी अच्छी मूवी आई, बहुत अच्छे अच्छे हमारे फिल्म स्टार है और वो सब जिम्मेदारी से भी काम करते, बहुत सोशल कॉजेज में भी वो लोग आते, उन सब का जैसे टाइगर जिंदा है सलमान खान क्या पिक्चर बने, लगता है कि कुछ नौजवानों को फौजी भाइयों को लगता रहेगा कि हम लोग इस प्रकार क्यों नहीं कर सकते। ऐसा उत्साहित करने वाला, प्रेरणा देने वाला, देशभक्ति वाले पिक्चर छे ना, ऐसे जो गलत चीजें बताते, इन चीजों का हम कड़े शब्दों में हर तरीके से विचार करते, निषेध करते, और विचार ऐसे विचार भी नहीं आने चाहिए। कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रोवर्सी तैयार होने से हमको पैसे मिलते रहेंगे, तो ये आज से तो हो जाएगा कि ऐसे ऐसे पैसे मिलोगे नहीं, ऐसे चीज करोगे तो प्रॉब्लम में होंगे। तो 25 को रिलीज हो रही है पिक्चर बंबई में? पिक्चर तो रिलीज हो रही है क्योंकि उनके पास मॉनेटरी पावर है। ये दुर्भाग्य के इतिहास के बाजू से, इमोशन के बाजू से और देश के हित के बाजू से बोलने वाले कम लोग हैं। जो हमारी सिस्टम है, सिस्टम में आप कोर्ट पे जा सकते हो, कोर्ट में सो बढ़िया सा बढ़िया ब्रेन है उसको बड़ी से बड़ी फी दी तो आपको मिल सकता है, लेकिन जो एक्टिविस्ट है वो काफी देने वाले, और इसीलिए बड़ा वकील पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में दिन में निकाल लगा लिया आपने, बस लॉ ऑर्डर के कोई इश्यू तो नहीं रहेगा? वो तो जो होगा ऑफकोर्स उद्रेक तो होगा, लोगों में बहुत नाराजगी है।
और इसीलिए उसका इफेक्ट तो होने वाला है। तो चीफ मिनिस्टर का क्या व्यू है, शायद तो इसके फेवर में? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, बट साथ में इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना गलत बात है, देश हित ये हमेशा अग्रगण्य रहना चाहिए। तो टूरिज्म मंत्रालय में आपका अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या मानते हैं आप? टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा पैकेज है। और हम लोग का कोशिश है कि, और हम लोग की कमी जो है, हम लोग के यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर टूरिज्म नहीं है, लेकिन मेरा पर्यटन मंत्री नाते से मेरा मानना है कि अब इंडस्ट्री, फार्मिंग, रियल इस्टेट, कोऑपरेटिव, इन सब में से जो रोजगार होता है उनसे मल्टीप्लाइड बाय 10, उनसे 10 गुना रोजगार का माध्यम ये पर्यटन है। पर्यटन की बहुत बड़ी शक्ति और संपदा हमारे पास है, वो पूरे राज्य में, देश में और पूरे विश्व के सामने हमको रखना चाहिए। और उसमें हम लोग थोड़े कम है मार्केटिंग में, और उस पर हम लोग ने लक्ष्य केंद्रित किया है। बॉलीवुड हम लोग के पास है, और इसीलिए अच्छे जो लेखक है, अच्छे जो डायरेक्टर्स है, अच्छे जो स्टोरी टेलर्स है, उनको हमने अपने साथ लेके ये हम लोग का प्रयास आने वाले समय में कि महाराष्ट्र टूरिज्म का प्रमोशन करें। तो हेल्थ टूरिज्म सुना पॉलिसी को बना रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, वो क्या है? मुंबई एक बहुत बड़ा मेडिकल कैपिटल है, अगर पूरे देश में कहीं भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो हमेशा अपने वहां कहते हैं कि बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए आप बॉम्बे जाइए। लेकिन ये केवल भारत के लिए नहीं, ये पूरे एशिया में, अरब कंट्रीज में, अफ्रीका में, उन सब का मानना है कि अगर बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट आपको करानी है और गारंटीड ट्रीटमेंट, जिम्मेदार ट्रीटमेंट, तो आप बंबई जाइए। और इसीलिए हम लोग का एक मेडिकल टूरिज्म का पॉलिसी भी हम लोग निकाल रहे हैं, उसके माध्यम से देश भर के लोगों को ये जो मेडिकल सेवा है वो मिले। और उसके लिए पूरा एक जो चेन है वो तैयार करना पड़ेगा, चाहे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से आप आओ, वहां से टैक्सी से लेकर कौन से हॉस्पिटल जाना चाहिए, कौन से डॉक्टर ये ट्रीटमेंट करते, इन सब की व्यवस्थाएं करने। और जो इंटरनेशनल मार्केट है उस पर भी बहुत हमारी नजर है, जो गल्फ के कंट्रीज है और अफ्रीका, वहां के भी बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए भारत में आते हैं, मुंबई में आते हैं, और मुंबई में आधे दाम में, पौने दाम में बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट हो जाती है, ये अनुभव रहा है। तो मेडिकल टूरिज्म की भी हम लोग पॉलिसी। तो नया ये जो एयरपोर्ट की बात है, मुंबई एयरपोर्ट, क्या स्टेटस है, क्या लगता है? आज हमें बहुत आनंद की बात है कि कल तक विमान से प्रवास करना बहुत बड़ी बात लगती थी, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में, विश्व में से वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड इज इन मुंबई, ये बड़ी अभिमान की बात है। और उसी के साथ हम लोग अभी सी पोर्ट भी कर रहे हैं, एक क्रूज, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भी कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट और क्रूज पोर्ट हमारे पास बहुत बढ़िया है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, कि एक बार फॉरेन का कोई सैलानी अगर आए एयरपोर्ट पे तो एयरपोर्ट देख के वो अंदाज करता है कि कैसे, और हमारे एयरपोर्ट देख के वो हमेशा कहता रहेगा कि वाह, एयरपोर्ट इतना बढ़िया तो देश कितना बढ़िया होगा। तो नया एयरपोर्ट बनने की बात ही नहीं, मुंबई वगैरह उसकी क्या है? पनवेल में अभी हम लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं। मुंबई जो आइलैंड सिटी है, यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक कंजेशन है, जमीन की कमी है, आजू बाजू लोगों ने घर बनाए हुए, और उससे भी बड़ा जो हमारे पास एयरपोर्ट है बहुत बढ़िया है, लेकिन आने वाले 10, 20, 50 साल के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये आने वाले 50, 70 साल का प्लानिंग करते रहते हैं, तो आने वाले समय में एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट मुंबई में होना चाहिए, ये हम लोग, हमारा सरकार और हमारे मुख्यमंत्री मानते हैं, और उन्होंने उसकी एक पहल की। मुंबई से लग के पनवेल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट, ये अभी मुंबई में आने वाला है। तो रोजगार मंत्रालय भी आपके पास है, तो स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसमें क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में वैसे तो ईजीएस जो है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, के जनक महाराष्ट्र है। आज 2005 में पूरे देश में ईजीएस लागू हुई, लेकिन मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि करीब 25 साल पहले, मतलब 30 साल पहले, 1975 में, 40 साल पहले, 1972 में जो अकाल पड़ा था, उसके बाद 75-76 में एक पॉलिसी तैयार हुई और उसके माध्यम से ईजीएस उसकी निर्मित हुई। 30 साल प्रभावी रीति महाराष्ट्र में काम करने के बाद वो देश में समर्पित किया गया। तो महाराष्ट्र का खुद का एक ईजीएस है, समृद्ध महाराष्ट्र जन कल्याण योजना, ऐसी एक योजना है। योजना के माध्यम से आम आदमी को, जिसको काम करना है, राइट टू वर्क जिसे कहते हैं, कि कोई आदमी कहे कि मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मेरे दो वक्त की रोटी के लिए मुझे काम करने का मौका दो, तो
तो हमारे पास तैयार है, आइए काम करिए, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, 200 रुपए रोज मिलेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था महाराष्ट्र में कई दशकों से चल रही और उसको दृढ़ किया हमने। हमने सोचा कि किसानों को आवश्यक वो चीजें इस योजना के माध्यम से बने, तो करीब 1.5 साल में 1,35,000 कुएं ये हम लोग ने बनाए और ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि 5 एकड़ की जमीन जिसके पास है उसे 3 लाख का कुआ हम लोग देते हैं, और 1,35,000 कुएं बनने के बाद करीब 6 लाख एकड़ ये सिंचित होगी, और ये बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। अभी करीब 75% वो बन चुके, और 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में 1,35,000 कुएं महाराष्ट्र में तैयार होंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी और करीब 6 लाख एकड़ ये सिंचित होने वाले हैं। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब के रिश्ते कैसे सपोर्ट करते हैं आपको, इन डिपार्टमेंट्स में रुचि लेते हैं? तो मुझे बहुत आनंद है कि मुझे मौका मिला काम करने के लिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में मिला, क्योंकि वो हमारे नेता है, हमारे बॉस है, हम प्रमुख हैं, लेकिन वो अपने कलीग भी हैं। इस प्रकार का विश्वास, अगर हम उनके पास जाए, कुछ चीज बात रखे और कोई योजना अगर अच्छी रहे तो 100% उनका सपोर्ट मिलने वाला है। इस प्रकार की गारंटी जब आपके मन में है तो काम करने में मजा भी उसका बहुत आते रहता है, और मैंने अनुभूति उसकी ली है। दावोस गए हैं मुख्यमंत्री जी, क्या एजेंडा लेके गए हैं इन्वेस्टमेंट का इसका? हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत ही जानकार इंटेलेक्ट है, और फाइनेंस के बारे में तो वो बहुत ही जानकार है, और मेरा ये अंदाज भी है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो है वो मोदी साहब के बड़े चहित है, क्योंकि वो जानते भी, बड़े पॉलिश्ड और कमर्शियल टर्म जानते, खुद LLB पढ़ा है। तो महाराष्ट्र में देश भर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता है, FDI, पूरे देश में जो FDI आता है उसका 50% महाराष्ट्र में होते रहता है, ये बड़े अभिमान की बात है, और वो और बढ़े। और महाराष्ट्र पहले नंबर वन का जो दर्जा था, पिछले 10-15 साल के जो पुराने गवर्नमेंट के वजह से हम लोग 7वें-8वें क्रमांक के बड़े स्तरों में आ गए, फिर नंबर वन महाराष्ट्र बने, वो हम लोग का टारगेट, और उसी के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, और महाराष्ट्र कैसे एग्रेसिव, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की जो कभी बड़े बड़े देश भी नहीं करते, वो राज्य ने की, कि $1 trillion इकोनॉमी हमको बनानी है। तो उन्होंने उसकी पहल की मैग्नेटिक महाराष्ट्र में, एक मैग्नेट की तरह पूरे विश्व को आकर्षित करने के लिए दावोस हमारे मुख्यमंत्री गए। उनके लिए कहते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए कई लोग कि उनका ज्यादा ध्यान फोकस जो है इमेज पे, इंटीग्रिटी पे रहता है, डिलीवरी कमजोर है उनकी, आपको ऐसा लगा कहीं? माननीय मुख्यमंत्री जो है वो बहुत ही क्विक डिसीजन मेकर है, और उनको पता है उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और बहुत फास्ट उनके निर्णय लिए। करीब पिछले 5 साल में जो हमारे भूतपूर्व CM थे, उनके जो जितने फाइल्स थे वो सब क्लियर है, और आज उनके टेबल पे हम लोग हर शाम को ये कह सकते हैं कि ऑल फाइल्स ऑल क्लियर, इस प्रकार का उनका काम रहता है। ऑफकोर्स वो अपने इमेज को जरूर देखते, क्योंकि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट यही उनका एजेंडा है, और इसीलिए जब उनका एजेंडा डेवलपमेंट है तो वही लेके चलते, वो नहीं चाहते कि कुछ गलत मैसेज जाए, जो काम हो रहा है वही मैसेज जाए। पिछले दिनों में पूना रोड वगैरह पे जातिगत संघर्ष हुआ, दलित कार्ड कुछ लोगों ने चला, तो कई लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फ्लॉप हो गए, खट्टर की तरह फ्लॉप हो गए हैं, ऐसा कुछ? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार का हुआ। महाराष्ट्र को हमें हमेशा कई दशकों से हम लोग पुरोगामी कहते, जहां जात पंथ धर्म पैसा क्रीड ऊंच नीच ये सब चीजें कई दशकों पहले हम लोग मिटा के आगे चले हुए, हम लोग डेवलप्ड स्टेट है ऐसा मानते, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द कंट्री, और रादर द डेवलप्ड स्टेट ऑफ द कंट्री हम लोग मानते हैं। और इस वक्त जात पंथ का विषय तो हमारे वहां था ही नहीं, लेकिन जब सभी तरीके फेल हो गए तो ये जो अभी गुजरात फार्मूला वाला जो ला रहे वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कि विरोधक अगर हमसे लड़ नहीं पाए तब इस चीज पे आगे, लेकिन इससे देश का अहित है, देश का नुकसान है। लेकिन केवल एक मुख्यमंत्री को कोई भी जगह पे आप हरा नहीं पाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो लोन वेवर हो, इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट के संदर्भ में आज इंडिया का 50% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां है, करप्शन को उन्होंने बिल्कुल मिटा दिया, और ये सब का डेवलपमेंट का तेज रफ्तार चलते हुए जब उन्होंने देखा कि अभी कुछ नहीं हो सकता है
तो आप देखते हो कि जातिगत संघर्ष यह महाराष्ट्र में तैयार करके महाराष्ट्र जो प्रगतिशील राज्य उसको बदनाम करने का षड्यंत्र हमारे यहाँ के ही राजनीति वाले जो हमारे सरकार के खिलाफ है वो एक कोशिश कर रहे, लेकिन वो ये जानते नहीं कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे। ये जो अहित की बात है, इससे समाज टूटेगा, देश का अहित होगा, राज्य का अहित होगा। भले उनका पॉलिटिकल फायदा हो या ना हो वो तो समय बताएगा, लेकिन देश का और राज्य का नुकसान मात्र उससे। अगले साल 2019 में विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या लगता है फिर से सरकार बनाएंगे आप लोग यहाँ? बेशक, बिल्कुल। जिस प्रकार के काम हमने किए, लोग चाहते हैं कि तीन साल में हमने जो काम कर पाए सब, तो 10 साल के बाद ही रिजल्ट। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है या चाहे कोई योजना होती, अपना घर ही हो, हम लोग अगर कोई काम शुरू करते तो 6 महीने साल में जिंदगी नहीं बन जाती। और इसलिए महाराष्ट्र इतना बड़ा है, देश भी इतना बड़ा है, कोई योजना आज लागू की तो उसका इफेक्ट 2-3-5 साल बाद दिखता है। आने वाले समय में जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, लोग हमारे साथ है, लोग ये जानते हैं कि इनकी नीयत अच्छी, नीयत साफ है, काम ब्लॉक कर रहे, डेवलपमेंट की चीजें ला रहे और नॉन करप्ट, नो नॉनसेंस वाली गवर्नमेंट है। और हमें विश्वास है केंद्र में मोदी जी और यहाँ देवेंद्र जी रहेंगे। तो शिवसेना के साथ कैसा रहेगा? शिवसेना से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। शिवसेना के साथ हमने कई दशकों से हम लोग काम कर रहे, व्यक्तिगत हमारे भी उनसे संबंध है और गवर्नमेंट के सभी लोगों से संबंध है। लेकिन हमारा यह कहना है कि हम लोग काम करते हुए दोस्त का दुश्मन का दोनों भूमिका हम लोग निभा नहीं सकते। अगर आप हमारे दोस्त हो, हमारे साथ हो, तो मिलकर चलते हैं। और जो जनहित का लोगों का जो कॉल है, लोगों की भूमिका है, लोगों ने अगर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया तो आपको अच्छा लगे ना लगे इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देश ने भी मोदी साहब को मान्य किया, राज्य ने फडणवीस साहब को मान्य किया, और ये केवल सिर्फ विधानसभा में नहीं हुआ, लोकसभा में हम लोग फडणवीस साहब के नेतृत्व में, वो अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में लड़े। उसके बाद हम लोग राज्य में लड़े, मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग जिला परिषद, नगर पंचायत, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत तक लड़े। सब में भारतीय जनता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर की, नंबर वन की पार्टी रही। अब लोगों की भावनाओं को तो आपको मानना पड़ेगा। अगर लोगों को भारतीय जनता पार्टी नंबर वन चाहिए और आप साथ में को एग्जिस्ट करें, कोई बात नहीं, आप लोग आइए साथ में काम करिए। आपका लक्ष्य जो है वो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य जो है वही आपका लक्ष्य है। केवल आप अपोजिशन भी बनोगे और दोस्त भी बनोगे ऐसा हो नहीं सकता है। और इसलिए आपको दोस्त बन के लोगों की भूमिका और लोगों ने जो वोट दिया हमको उसको स्वीकार करके साथ में चलना होगा। राणे साहब का कैबिनेट मारे हैं कैसे, अब क्या है हालात? अब राणे साहब का जो निर्णय है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेंगे, लेकिन राणे साहब एक बहुत बड़े नेता है और वो संवेदनशील नेता है। उन्होंने कोंकण में अच्छा काम किया है और उनकी बहुत बेइज्जती उनके साथ कांग्रेस में हो रही थी और इसीलिए वो बेचैन थे। लेकिन वो चाहते हैं कि जिस प्रकार का उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो काम किया वो राज्य के हित में और बहुत अच्छे निर्णय उन्होंने लिए। पिछले कई सालों में मुख्यमंत्री इतने अच्छे निर्णय नहीं ले पाए, ये उन्होंने खुद जाना है और वो बड़े अनुभवी नेता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के काम को सराहते मानते। एक दो आखिरी सवाल, एनसीपी से क्या रहेगा? कांग्रेस एनसीपी कोई थ्रेट आपको महसूस होती है चुनाव में? वैसे तो वो हर तरीके का कॉम्बिनेशन वो लोग ने करके देखा, लेकिन वो अभी जैसे लास्ट मिनट, लास्ट डिच अटेम्प्ट जो कहते कि अब बीजेपी को रोके कैसे, कुछ भी करे तो रोकना पड़ेगा, ये जो भावना जो है ये गलत है। आप लोग एक साथ लड़ते हो एक दूसरे के खिलाफ, अलग अलग पार्टियां बनाते हो और बाद में आप लोग अभी भारतीय जनता पार्टी से डर के हम लोग साथ में काम करेंगे, मतलब स्वार्थ और सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई विचार नहीं है, कोई धोरण नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, केवल सत्ता चाहिए। सत्य के लिए हम लोग सत्य के लिए अलग भी हो गए और सत्ता के लिए एक साथ भी आएंगे। यही लोगों में मैसेज जा रहा है। ये पैतरे उन्होंने महानगर पालिका में किए लेकिन फेल गए, और विधानसभा और लोकसभा में भी यही उनका अस्त्र होगा। भ्रष्टाचार मिटाने की बात आपकी सरकार करती रही है, मुख्यमंत्री खुद ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि है, लेकिन घटनाएं ऐसी हुई कि उस दावे को चुनौती रही। एकनाथ जी का इस्तीफा हुआ, फिर हाउसिंग मिनिस्ट्री कंट्रोवर्सी चली, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कंट्रोवर्सी चली, ये क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को? या नहीं, माननीय मुख्यमंत्री उनका जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है, प्रधानमंत्री का भी है। और जब राज्य का प्रमुख या देश का प्रमुख उस प्रकार का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो उस प्रकार डाउन द लाइन भी जाना चाहिए। कॉन्ट्रोवर्सी तो राजनीति का भाग है, किसी पे आरोप लगाना
ये कोई मतलब बिना पेपर आरोप लगा दो, उस पर दो दिन मीडिया में चला दो, विषय कुछ बोलो, उस पर बाद में डॉक्यूमेंट दो मत या कुछ प्रूफ करो मत, ये तो बहुत आसान बात होती। लेकिन हमारा गवर्नमेंट करप्शन फ्री रहा और हमने बहुत अच्छे काम किए, ऐसे कोई कॉन्ट्रोवर्सी या करप्शन का केस हम लोग बता नहीं सकते। तो क्या लगता है अगला चुनाव लोकसभा राज्य विधानसभा साथ साथ होंगे राज्य के? ये बार तो मुझे इस प्रकार की उम्मीद नहीं है। जो वक्त है तय वक्त पे लोगों ने अगर 5 साल का समय दिया तो 5 साल ही गवर्नमेंट चलेंगे। लेकिन कहीं हम लोग को इस चीज के बारे में सोचना, और ये पार्टी में हम लोग सोच रहे कि ये तो अभी आगे पीछे हो गए चुनाव, लेकिन 2024 आते आते सभी इलेक्शन एक साथ हो तो एक बार का जो चुनाव का माहौल है, चर्चा है, प्रचार है, जो हो जाए और उसके बाद 5 साल मिलके सब लोग काम करें, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स कैन नॉट हैपन एवरी टाइम एंड ऑल द टाइम। तो पॉलिटिक्स का भी एक समय है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो पूरा राजनीति का दौर चलेगा, चुनाव का दौर चलेगा और उसके बाद गवर्नमेंट बन जाए, स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद सब लोग एक साथ काम करेंगे। और हम लोग की कोशिश है, हम लोग का विचार है, हम लोग की मंशा है कि 2024 में सभी चुनाव एक साथ हो। 2019 में जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, लगता नहीं आपको कि जीएसटी, नोटबंदी, ये कोई चुनौतियां हैं? नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से, जीएसटी आने वाले समय में देश की मांग भी थी, देश की जरूरत भी थी, पिछले कई सालों से वो विषय चल रहा था। अगर वो वक्त पे कांग्रेस अगर मतलब पॉलिटिक्स के बजाय डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करती और वक्त पे जीएसटी लागू हो जाता तो 2 साल में उसके जो टीथिंग प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, जो शुरू की समस्या है, वो निकल जाती और आज वो ठीक से सब चल पड़ता था। लेकिन कांग्रेस वो नहीं चाहती थी और इसीलिए अभी आप देख रहे हो कि जीएसटी लागू होने के बाद उसकी अभी समस्याओं का निराकरण हो रहा है, कुछ चीजों में हम लोग सोच रहे हैं। कुल मिला के आप आश्वस्त हैं कि 2019 के दोनों चुनाव आप जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल बड़ा गारंटेड, क्योंकि मैं ये मानता हूं और मेरा अब तक का अनुभव भी रहा है कि अगर लोक हित में आप काम करोगे, पॉपुलिस्ट छोड़ो लेकिन लोगों के हित में जेन्युइनली आप काम करोगे, तो लोग चुनाव के वोट देने के पहले 2 बार सोचते हैं कि जो अच्छा और बुरा उसमें फर्क समझते हैं। अगर अच्छा काम किया तो आप दोबारा जीतोगे और मेरा विश्वास है कि हमने अच्छा काम किया और पूरा दुनिया, पूरी विश्व ये कहेगा कि मोदी साहब के नेतृत्व में अच्छा ही काम हुआ, देश का आम आदमी बहुत खुश है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच।